कुछ देर पहले ये तमाम वायु सैनिक बहादुर हवा में थे, आसमान को चूमते हुए नीचे उतरे और इसलिए इस समय ये हमारे साथ हैं। तो आखिर ऐसी क्या चीज है जो इन्हें इतना निडर, इतना जाबाज बनाती है? वैसे तो कलेजा जब हम नॉर्मल टेक ऑफ करते हैं साधारण प्लेन में तो कलेजा मुंह को आ जाता है, ऐसी क्या चीज है जो इन तमाम जवानों को, आप सबको इतना निडर बनाती है? इसका एक ही चीज मैं बोलूंगा, ट्रेनिंग ट्रेनिंग और ट्रेनिंग। ये जितने भी अभी आज आपके सामने डेमोंस्ट्रेशन किया है ये सारे पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर्स हैं, जिनको अपनी लैंग्वेज में हम ड्रिफ्टर्स भी बोलते हैं। ये स्काईडाइविंग टीम आकाशगंगा जो पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल की हैं, इसके अलावा ये डेमोंस्ट्रेशन टीम के अलावा हम तीनों सेनाओं के एयरबॉर्न एलिमेंट, चाहे वो पैरा कमांडोज हों आर्मी के, मरीन कमांडोज नेवी के या गरुड़ एयरफोर्स के, तीनों की ट्रेनिंग जो पैरा की है वो पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग आगरा में करवाते हैं। यानी ये सिर्फ बहादुर नहीं है, ये बहादुर पैदा भी करते हैं, बहादुर बनाते भी हैं। मुझे एक चीज बताइए, मुझे भी डर लगा जब तीन, हमने देखा कि जब तिरंगे का फॉर्मेशन हुआ एक के बाद एक तीन लोग एक साथ, क्या मन में उस समय जरा सा भी डर होता है? ये जो मन में जो डर है ये आपकी ट्रेनिंग इससे ओवरकम कर लेती है, क्योंकि आप अपने लोकल ड्रॉप जोन में इतनी प्रैक्टिस करते हैं हर बार, तो ये जो डर का एलिमेंट है वो खत्म हो जाता है। तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि ट्रेनिंग और ट्रेनिंग और ट्रेनिंग ही एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने फियर को ओवरकम कर सकते हैं। बिकॉज आप लोग 13,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आते हैं, जब पैराशूट खुलता है और उसके पहले का जो मोमेंट होता है उसमें दिमाग में क्या चल रहा होता है? ये मतलब एक तरह का फॉल है, अगर मतलब पहले कोई कर रहा है ऐसा लगेगा जैसे आप चिड़िया के जैसे हवा में उड़ रहे हैं। ये काफ़ी मतलब एक्साइटमेंट वाला मूवमेंट होता है, लेकिन डे बाय डे जैसे हमारे जंप्स बढ़ते रहते हैं उस हिसाब से हम अपनी फॉल में और बेहतर कार्रवाई कर सकते हैं। दरअसल ये एडवेंचर का समय हो, लेकिन कहते हैं कि युद्ध के पहले जो पसीना ज़्यादा बहाता है युद्ध में उसे खून कम बहाना पड़ता है, ऐसे में चुनौती कितनी बड़ी होती है एयरमैन में, और ख़ासकर सबसे बड़ी जो इंस्ट्रक्टर ट्रेनर्स हैं, क्योंकि आपको दूसरे सूरमा तैयार करने होते हैं? हमारे पास नोवाइस जवान आते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल ट्रेनिंग के बाद आते हैं, और उसके बाद उनको हमने पैरा ट्रूपर बनाना होता है, और उसकी जो ट्रेनिंग है बेसिक ट्रेनिंग जो है हमारी 12 दिन की ग्राउंड ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उनको हम 5 जंप करवाते हैं 4 दिन के और 1 रात का, और फिर उसके बाद क्वालिफाइड पैरा ट्रूपर बनाते हैं। इसके अलावा एडवांस ट्रेनिंग जैसे कॉम्बैट फ्री फॉल है उसकी ट्रेनिंग भी पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल में होती है, जो हम 15,000 के ऊपर जब जाते हैं तो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, रात का जंप हो चाहे दिन का जंप है, अक्रॉस दी एनिमी लाइन कैसे जाना है वो हम उनको सिखाते हैं। तब मिलता है वो हौसला, और इसीलिए वो नारा कौन सा है आकाशगंगा टीम का जो वो हौसला भरती, एक बार वो हो जाए, बोलो चंद्रमाता की जय।